वह दिन आज भी याद होगा, 28 नवंबर 2008। गोलियों से थर्राया था मुंबई। गोलियों के बीच कई नायकों का उदय हुआ, कुछ शहीद हुए तो कुछ अपने पीछे एक कहानी छोड़ चले गए। उन कहानियों और किंवदंतियों को कहने वाले अब कुछ लोग हैं जो जिंदा हैं, आपको जिंदा दिली का एहसास कराते हैं और आतंक से लड़ने और आंखें मिलाने का साहस देते हैं। अजमल कसाब मुंबई पुलिस द्वारा जीवित पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी थे, जिसने खुलासा किया कि हमलावर लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे। काफी वक्त तक पाकिस्तान नकारता रहा, लेकिन 7 जनवरी 2009 को पाकिस्तान ने हमलों के एकमात्र जीवित अपराधी की पुष्टि की कि वह पाकिस्तानी नागरिक था। 9 अप्रैल 2015 को 26/11 हमलों के पीछे मुख्य मास्टरमाइंडों में से एक जकी उर रहमान लखवी को पाकिस्तान में जमानत दी गई थी। शेख अब्दुल ख्वाजा और अबू हमजा सहित कुछ अन्य संचालकों को रॉ एजेंटों और दिल्ली सरकार द्वारा नामित किया गया था। इस बीच दिसंबर 2009 में FBI ने अब्दुल रहमान, हाशिम सैयद, हेडली के साथ मिलकर हमलों की योजना बनाने के लिए पाकिस्तान सेना में एक सेना निवृत्त मेजर पर आरोप लगाया। कसाब को 2012 में यरवडा जेल में फांसी दे दी गई थी। बाद में 2018 में डॉन के एक साक्षात्कार के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कथित तौर पर हमलों की पाकिस्तान की भागीदारी को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के अनुसार हमलों में 15 पुलिसकर्मी और 2 NSG कमांडो मारे गए थे। रिटायर्ड मुंबई पुलिस अधिकारी राकेश मारिया को हमलों की जांच की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने कसाब से पूछताछ की और उस मामले की जांच की जिसमें पाकिस्तान के बर्बर कृत्य में शामिल होने की बात सामने आई थी। मारिया पुलिस कंट्रोल रूम के उस फर्जी रात में प्रभारी थे, जहां से पूरे जवाबी कार्रवाई पर नजर रखी गई थी। जिन 5 स्थानों पर हमला किया गया था, उनमें से एक प्रमुख यहूदी केंद्र चबाड़ हाउस था, जहाँ 2 आतंकवादियों ने 9 की हत्या कर दी थी, जिसमें रबी गैब्रियल और उनकी गर्भवती पत्नी रिवका शामिल थे। हालांकि जिसमें बाद में एक चमत्कारी पलायन कहा गया, उनके बेटे मोशे को उनकी नैनी सैंड्रा सैमुअल ने बचा लिया। मोशे, जो उस समय 2 साल का बच्चा था, को बचाया गया और सैमुअल के साथ वापस इसराइल भेज दिया गया। जनवरी 2018 में मोशे ने अपने दादा दादी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भारत का दौरा किया। हमले में एक और जीवित देविका रोटावन एक घरेलू नाम बन गई जब उसने अदालत में अजमल कसाब के खिलाफ गवाही दी और उसे उसके हमलावर के रूप में पहचाना। रोटावन को 26 नवंबर की रात छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनस पर पैर में गोली लगी थी और वह इस मामले में सबसे कम उम्र का गवाह बन गई थी। हेमंत ओबेरॉय उस ताज होटल के प्रमुख शेफ थे, जिन्होंने होटल के 17 स्टाफ के साथ उस वक्त मौजूद 1500 गेस्ट को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। हेमंत होटल के बाहर आने वाले आखिरी इंसान थे। वे चाहते तो पहले भी निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर सबकी सुरक्षा की। उस दिन बहुत से घर के चिराग बुझ गए, तो कईयों ने अपने जान पर खेल कर लोगों की जान बचाई और रियल लाइफ हीरो बन गए। वह दिन और मंजर आज भी हमें याद दिलाते हैं, आतंकवाद से लड़ने का हौसला देते हैं।